ओके, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, एबीसी कंट्रोल. इट इज व्हाट? इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक. हाँ, और ये टेक्निक क्या बोलती है, देखो बहुत सिंपल है ये. इनका कहना ये है कि आपके पास जितना भी सामान होता है ना गोडाउन में, आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं यार, मटेरियल भी अलग अलग टाइप के होते हैं. तो हम है ना वो मटेरियल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. शायद नाम से मालूम पड़ रहा होगा कौन से तीन पार्ट, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. समझ में आया आपको? जैसे शायद तुमने फाउंडेशन का एग्जाम देते टाइम भी ऐसा कुछ किया होगा, ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स है ना, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी ऑप्शन वाले. लास्ट क्लास में छोड़ ही दिया होगा उसको, तो ए और बी के लिए टाइम नहीं बचता, तो सी कहाँ से करेंगे. देखो बहुत सिंपल है यार, हमारे घर में भी बहुत सारे सामान रखे होते हैं अलग अलग टाइप के, हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मान लो हर किसी के घर में ना खाने पीने का सामान रखा होता है. खाने पीने में क्या, दाल चावल शक्कर ये सब रखा होता है ना, गेहूँ आलू प्याज ये सब रखा होगा. कितना होता है, 100 ग्राम 50 ग्राम, ज़्यादा होता है ना. दाल चावल तो 10 किलो 20 किलो 50 किलो भी हो सकता है ना, बोरी पूरी हो सकती है. आलू प्याज भी 2-4-5 किलो तो रहेंगे ही, शक्कर भी रहेगा, अच्छा खासा क्वांटिटी होता है ना. अगर सबको मिला ले तो शायद 100 किलो तो हो ही जाए ऐसे, है ना. कहाँ रखते हो आप उसको, स्टोर मतलब कहाँ, फ्रीजर वगैरह में ऐसा मस्त. रख देते हैं, कुछ खास ध्यान नहीं देते उसके ऊपर. क्या ध्यान रखते हो, चावल की बोरी है रखी हुई है, क्या ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर, बस भीगने नहीं पाए, यही है ना. इतना ही ध्यान है, मिनिमम कंट्रोल. कितना ध्यान देते हैं, बहुत मिनिमम, बहुत कम ध्यान देते हैं, राइट. वैसे ही मान लो तुम्हारे घर पे है ना ऐसे बहुत कम, मतलब समझ लो आधा किलो सोना रखा हुआ है, एकदम कम, आधा किलो खाली, आधा किलो सोना रखा हुआ है, वो कहाँ रखते हो, लॉकर तिजोरी घर के किसी कोने में एकदम, है ना, कोई एक जगह होगी उसके अंदर एक लॉकर होगा, उसके अंदर एक छोटा लॉकर होगा, उसके अंदर एक और छोटा लॉकर होगा, उसमें रखा होगा तुमने, राइट. हाँ, तो सोना देखो है आधा किलो ही, लेकिन उस पर कितना ध्यान रखा जा रहा है ना. और ये गेहूं चावल दाल शक्कर सब्जियां आलू प्याज ये सब 100 किलो से ऊपर होंगी, पर इन पे कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है. ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं हम लोग. सोना बहुत महंगी चीज़ है ना, उसमें बहुत पैसा लगा हुआ है, और ये आलू प्याज और गेहूं चावल में तो क्या है, 10-5 हज़ार के आइटम है. मतलब हम यहाँ घर पे भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि हमको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, ज़्यादा कंट्रोल किस पे रखना है, किस पे रखना है, सोने चांदी पे, ज्वेलरीज पे, या फिर गेहूं चावल पे. ज्वेलरीज पे है ना, गहने वहने रखे होंगे, कैश रखा होगा, मान लो गड्डी वगैरह रखी हुई है ऐसे 500-500 की कुछ, तो उनको है ना ए कैटेगरी आइटम बोलते हैं. कैसे डिसाइड किया कि सोना चांदी जो है वो ए कैटेगरी का आइटम है, क्वांटिटी कम वैल्यू ज़्यादा, क्वांटिटी फिर भी छोड़ दो वैल्यू ज़्यादा होती है. तो ए कैटेगरी में ऐसे आइटम्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट शायद 10% के आसपास होगी, या 10-20% भी बोल सकते हो आप, लेकिन इनकी वैल्यू ये 70% के आसपास हो सकती है. मतलब अगर मेरे घर में मान लो या मेरी कंपनी में टोटल 1 करोड़ का सामान है, तो 1 करोड़ में से 70 लाख के तो शायद यही होंगे अमाउंट में बात करें तो. क्वांटिटी कम होगी लेकिन वैल्यू इनकी 70% तो यही है ऑलमोस्ट. तो मुझे इन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये कम है क्वांटिटी में पर इन महंगे ज़्यादा हैं, और ये चोरी हुए ख़राब हुए तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इन पे मैं नहीं कर सकता ऐसा. तो सी कैटेगरी कौन से, गेहूँ चावल ये सब सी कैटेगरी है ना. क्यों, हाँ वैल्यू, क्वांटिटी खाली ज़्यादा होती है देखने में, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो क्वांटिटी विल बी अराउंड 70%, बट वैल्यू विल बी अराउंड 10% ओनली. ये समझ में आ रहा है आपको. और बच्चे क्या बीच में, बी कैटेगरी. बी कैटेगरी मतलब ना बहुत ज़्यादा महंगे ना बहुत ज़्यादा
सस्ते, जैसे मान लो आलू चावल भी नहीं, आलू और ये गेहूं चावल भी नहीं, लेकिन सोने जितना महंगा भी नहीं, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, है ना, कपड़े वगैरह हो गए, वॉच हो गई, है ना, गॉगल्स हो गए, शूज हो गए, या ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप कैसे रखते हो, कपड़े कैसे रखते हो, आपने ड्रेस वेस खरीदी होगी, ये सब कैसे रखते हो, ऐसे गेहूँ चावल की तरह फेंका होता है किसी बोरी में, नहीं ना, इतना भी तो कम कंट्रोल नहीं रखते ना, लेकिन तिजोरी में बंद करके भी नहीं रखते, तो ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना बहुत कम, मॉडरेट कंट्रोल है वो, है ना, दाग वाग नहीं लगने चाहिए इसके लिए, थोड़ा बराबर रखेंगे उसको, मॉडरेट कंट्रोल, वो भी कैटेगरी है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये 150 किलो नहीं होते, एट द सेम टाइम ये आधा किलो पाव किलो भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपको, और वैल्यू भी कोई ऐसे बहुत करोड़ों में नहीं है, और ना ही गेहूँ चावल जैसे बहुत एकदम 50-100 रुपये, 50-40-50 रुपये किलो वाले भी नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ना बहुत महंगे, हाँ बी कैटेगरी, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती इनकी, मान लो 20% के आसपास, और वैल्यू भी ऑलमोस्ट उतनी ही, मतलब अगर मेरे पास टोटल 100 100 रुपये का सामान पड़ा हुआ है गोडाउन में, तो उसमें से 70 रुपये का अलग वाला गुड्स ऐसा होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बाकी 70% क्वांटिटी वाले गुड्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू सिर्फ 10% ही होगी, है ना, तो अभी अगर ये चोरी भी हो जाए, ये ख़राब भी हो जाए, तो मुझे कोई ज़्यादा खास नुकसान, हाँ इसके लिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, अगर गेहूँ चावल के लिए और आलू वालू रखने के लिए हम लोग तिजोरी खरीदने लगे, तो गेहूँ चावल से महंगा तो तिजोरी हो जाएगा फिर, तो इनके ऊपर इतना खर्चा करने की ज़रूरत, अगर एक आध खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम कंट्रोल, कितना कंट्रोल, हाँ, और इस पे हम लोग रखते हैं हाईएस्ट कंट्रोल, बिल्कुल बचा के रखते हैं, ना खराब होना चाहिए ना चोरी होना चाहिए, है ना, और बी कैटेगरी वाले में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना बहुत कम, उसको हमेशा क्या बोला जाता है, मॉडरेट, करेक्ट, बस अपना यही काम होगा, क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप के गुड्स दिए होंगे, हमको उसमें से पहचानना है कौन से ए कैटेगरी में डालने हैं और कौन से, जैसे मान लो कॉस्टिंग में 14 चैप्टर दिए हुए, हमको पहचानना है इसमें से कौन से ए कैटेगरी वाले चैप्टर, कौन से बी वाले और कौन से सी वाले, ए वाले एकदम अच्छे से करेंगे, मैक्सिमम कंट्रोल, हाईएस्ट, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कंट्रोल, फिर आएंगे बी कैटेगरी वालों पर, थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, इतना भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर लास्ट में टाइम बचा तो हम आएंगे सी कैटेगरी पे, और इनके एक एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत, समझ में आया क्या आपको, तो ये काम करना होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी है, वैसे बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, एक ही बार आया हुआ अभी तक, ठीक है, नया लॉन्च किया, पहले तो था नहीं ये, बाद में ये कुछ 4-5 साल पहले सिलेबस में ऐड किया हुआ है, और तब से सिर्फ एक बार आया हुआ है 5 मार्क के लिए, ये लिख दो, और फटाफट इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कैलसी का काम है खाली, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल, देखो आइटम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 तरह के गुड्स हैं आपके पास, ओके और सबकी क्वांटिटी देके रखिए यूनिट्स, और फिर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ, यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, हाँ पर यूनिट कॉस्ट, बारिश वारिश, हाँ ऐसे कुछ आवाज, कोई नहीं आजकल मौसम थोड़ा चल रहा है वैसा, अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और फिर देखेंगे उसमें सबसे महंगे वाले आइटम्स कौन है, ठीक है, जो सबसे महंगे वाले आइटम्स होंगे, महंगा मतलब वो ख़राब हुआ तो नुकसान हो जाएगा ज़्यादा, उसको अपन एक कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं चैप्टर्स, किसी चैप्टर में से 15 मार्क का आता है, किसी में से 12 मार्क का आता है, हम उसको किस में क्या डाल देते हैं, ए में, फिर थोड़े कम मार्क्स वाले बी में, और एकदम कम वाले जो कभी कभार आते हैं कभी नहीं आते हैं सी में डाल देते हैं उनको, तो हर ए बी सी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपको पहले टोटल कॉस्ट निकालनी होगी और उसमें से फिर आपको डिसाइड करना होगा कि ए वाले कौन से हैं बी वाले कौन से, और महंगे महंगे उठाओ 70% अमाउंट वाले को ए में डाल दो, फिर 20% को बी में डाल दो, और लास्ट में बचे हुए 10 को खत्म, बात बस, ओके लेट अस स्टार्ट, देखते हैं ज़रा क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर एट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो रही है बारिश। शेड्यूल बन गया इनका शाम को, है ना? ऐसा कल तो अचानक से ही। तभी तो लोग बीमार होंगे। हवा चल रही है बस। इतने कॉलम बनाने अपने को, और फिर यहाँ पे एक और रैंक, आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसका कर लेना है यहाँ पे टोटल। समझ गया क्या करना है? सबकी क्वांटिटी मालूम है आपको? हाँ, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, सबके पर यूनिट रेट भी अपने को दिए हुए हैं। तो अपना काम क्या है? क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना और टोटल कॉस्ट ढूंढना। फिर हम लोग टोटल कॉस्ट का परसेंटेज निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट्स को रैंक देंगे। परसेंटेज का टोटल इज ऑलवेज 100। ठीक है, तो ये टेबल जरा फिल कर दो टोटल कॉस्ट तक एटलीस्ट, फिर परसेंटेज निकालते हैं। ये फर्स्ट 3 कॉलम जो है ना वो फिल करो फटाफट। तो होना ही था।
दिया टोटल कितना आया, 3,55,770। ये सबको आ रहा है क्या? पहले वाले का टोटल कितना है आइटम नंबर वन का? पहले वाले का 31,000। सुनो, अभी आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, देखो आपके पास टोटल कितना गुड्स है 3,55,000 का, बराबर, जिसमें से आइटम नंबर वन की वैल्यू कितनी है 31,150। 3,55,000 में से 31,150 का आइटम नंबर वन है, तो कितना परसेंट वैल्यू है उसका टोटल में? तो दिस, ये वाला, दिस डिवाइड बाय दिस, इंडिविजुअल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100, 76 कर लेते हैं, 8.76%। बराबर समझ में आया आपको? फिर सिमिलरली दूसरे वाले का वैल्यू बताओ, 76,500, 560 डिवाइड बाय 355,770 करो इंटू 100, 21.519, तो 52 कर ले परसेंट। ये समझा आपको? ऐसे ही सबके परसेंटेज निकाल दो, फिर अपन रैंकिंग देते हैं इनको फटाफट और एबीसी में बांट देंगे। हाँ, राउंड ऑफ करके दो डिजिट, हो गया सब, सब क्या हो गए? सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला आइटम कौन सा है? नंबर 5 पक्का, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज रैंक 1। समझा आपको? फिर सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल 2 को रैंक 2, थर्ड मोस्ट 11 श्योर, तो उसको नंबर 3। समझा आपको कैसे जाना है?
कौन सा ऑर्डर है ये? डिसेंडिंग ना? हाँ रैंक्स दे दो सबको, 1 से लेके 12 तक सबको रैंक्स असाइन करो। अपने कर दिए। देखो अब इसमें से ना हम लोग एबीसी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करेंगे, तो नीचे एक हेडिंग डाल देते हैं एबीसी सेलेक्टिव क्लासिफिकेशन या एबीसी क्लासिफिकेशन। इसमें रैंकिंग वाइज जाना है, रैंक आइटम उनकी क्वांटिटी उनका टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का परसेंटेज। वैसे तो सब कुछ अपने पास है, बस खाली उठा के इसमें रखना है। सुनो पहले ए कैटेगरी, तो टॉप के 70% ऑलमोस्ट जो है ना उनको ए में रखना है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फर्स्ट रैंक वाला आइटम कौन सा है? रैंक वन आइटम नंबर 5, उसकी क्वांटिटी कितनी है? कितनी है? 10,000। उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? 81,900। उसका परसेंटेज कितना है? 23.02। समझा आपको? अभी 23% ही हुआ। इसके साथ में एक कैटेगरी में और भी आएंगे, क्योंकि एक कैटेगरी में टोटल कितने परसेंट आते हैं? 70%, 70 के आसपास है ना। तो अभी रैंक टू को भी ले लेते हैं इसमें हम लोग, आइटम नंबर टू। रैंक टू इज आइटम नंबर टू ओनली, राइट? हाँ। 4,000 यूनिट्स कॉस्ट, परसेंटेज 21.52 है ना। हाँ तो 23 और 21, 44 के आसपास हुआ। और ए में कितने परसेंट आते हैं? टॉप के 70%। तो इसमें और ए की लिस्ट में और भी चैप्टर्स या और भी आइटम्स आ सकते हैं। तो अभी रैंक थ्री को भी इसमें ले लेते हैं फिर। रैंक थ्री हमने दिया है आइटम नंबर 11 को, उसकी क्या क्वांटिटी है? 11,000 परसेंट अपना कॉस्ट 72,680। तो ये भी 20% के आसपास तो होगा ही। कितना? 4.3%। कितने हो गए देखो, 23, 20, 64। अभी 70 से काफ़ी कम है, अभी एक और ऐड कर ले सकते हैं इसमें। रैंक फोर्थ आइटम नंबर 1 क्या है उसकी क्वांटिटी और कॉस्ट और परसेंटेज? 7। अब ये देखो 70 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया हो, 70 से 1-2% कम या 1-2% ज़्यादा हुआ। तो अभी वो ये कोई स्ट्रिक्ट बहुत ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है क्लासिफिकेशन कि भाई 70 ही होना चाहिए, वो 65 भी हो सकता है, वो 75 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ। वैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसमें उन्होंने बराबर एकदम ऐसे नंबर्स लिख के दिए थे ना कि वो 70 पे पहुंच जाता था एकदम राउंड ऑफ करके। ओके ये समझा आपको कैसे करना है? अभी अब इसके बाद हम लोग बी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। बी कैटेगरी में ना और चार आइटम तो आएंगे, 5 तक तो हो गया, 4 तक हो गया। ओके
तो रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 और रैंक 8 ये इसमें आएंगे, क्योंकि इधर बराबर उनका 20 के आसपास परसेंटेज आ जाएगा, 20 या 18 19 तक पहुंच जाएगा। और फिर बाद में जो बचे वो किस में चले जाएंगे, सी कैटेगरी, ठीक है। हाँ एक बार इनकी क्वांटिटीज और टोटल कॉस्ट का भी टोटल कर देना, ओके। तो मैंने आपको ए कैटेगरी बता दी, आप ऐसे ही क्या करोगे अभी, हाँ बी और सी के लिए भी आंसर सेम तरीके से लिख दोगे। बी में ऑब्वियसली फिर 9, 10, 11 और 12 आएंगे, ओके। इजी है ना कैलकुलेशंस, बस थोड़ा कैलसी वर्क ज्यादा है। पर वैल्यू नहीं है उतना, तो हम भी उसको ज्यादा ध्यान देंगे नहीं उसके ऊपर, ओके। सुन अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये है क्या, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और नया बिजनेस मतलब पैसे बहुत लगेंगे, है ना, बहुत काम के लिए पैसे लगते हैं यार, दुकान खरीदो उसमें पैसा जाएगा, मशीन खरीदो पैसा जाएगा, फर्नीचर वर्नीचर कराने का पैसा जाएगा, बहुत पैसे जाते हैं उसमें। एक काम और होता है, आपको मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो मान लो मैंने कोई दुकान खोली, ठीक है, उसमें 5 लाख रुपए का सामान खरीद के रख दिया, कितना, 5 लाख, 10 लाख क्यों नहीं, खाली 5 लाख क्यों, मेरा बजट ही उतना है, मेरे पास 5 लाख ही है, हमारा एक लिमिटेड बजट होता ना, बाकी तो फर्नीचर में पैसा गया होगा, मशीन खरीदने में पैसा गया होगा, तो मेरे पास मटेरियल खरीदने के लिए सिर्फ कितने पैसे हैं। तो मैंने बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपए का मटेरियल लाके, सामान लाके दुकान में रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, वो सामान धीरे धीरे बेचूंगा, वेरी गुड। मान लो वो 5 लाख का सामान मैंने 15 दिन में सेल कर दिया, सोल्ड विद इन 15 डेज। अब 15 दिन बाद क्या करूँगा मैं, ऑब्वियसली वो 5 लाख का सामान बेचा तो पैसा आया होगा ना, वो पैसे से वापस फिर से नया 5 लाख का सामान लेके आओ, फिर से बेचो उसको, समझा आपको, मतलब आप हर 15 दिन में अपना गुड्स बेच देते हो, हर 15 दिन में, हाँ मटेरियल है तो 15 दिन में कंज्यूम कर लेते हो, 15 दिन में, 15 दिन के अंदर यूज कर लिया, अब बाद में फिर मैं वापस खरीदूंगा, फिर से उसको 15 दिन में यूज कर लूंगा या बेच दूंगा, बराबर ना। सोचो अगर 15 दिन में ऐसे सेल हो रहा है, 5 लाख का सेल, महीने का कितना हो गया, 10 लाख, साल का कितना सेल हो गया, 1 करोड़ 20 लाख। अब लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में मैंने सेल्स दिखाया कितना, 1 करोड़ 20 लाख। आप सोचो ये 1 करोड़ 20 लाख के लिए मैंने कितने पैसे लगाए थे बिजनेस में, कितने पैसे का मटेरियल खरीदा है मैंने, हमेशा 1 करोड़ 20 लाख का मटेरियल मैंने खरीदा है पूरे साल भर में, लेकिन क्या उसके लिए मैंने अपनी जेब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाए हैं, नहीं, मैंने अपनी जेब से सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किए थे। बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है, मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उससे मटेरियल खरीदा, उसको बेच दिया, फिर उसी 5 लाख से वापस नया पैसा नहीं लगाया, वही 5 लाख से मैंने वापस फिर से नया मटेरियल खरीदा, वापस उसको बेच दिया, समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसको साइकिल बोलते हैं, ये क्या है, हाँ इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, कौन सा साइकिल, और ये पूरे साल चलते रहती है। तो जो 5 लाख रुपए से मैंने साल भर में कितने का बिजनेस किया है, 1 करोड़ 20 लाख का, 5 लाख लगा के 1 करोड़ 20 लाख का मैंने सेल किया है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, मैंने पैसे को घुमाया है, बिजनेस का मतलब ही यही है कि आपको पैसे को क्या करना होता है, घुमाना होता है, क्लियर। उसी को हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, कि हमने साल में कितनी बार ये साइकिल घुमाया है, हफ्ते महीने में 2 बार घुमा रहे हैं ना हम लोग, 15 दिन में 1 बार खत्म कर देते हैं, तो महीने में 2 बार मतलब साल में 24 टाइम्स हमने ये साइकिल घुमाया है,
में 24 टाइम साइकिल घुमाने का मतलब क्या हुआ मालूम है? कि आप 1 रुपए से 24 रुपए का बिजनेस करते हो, 1 रुपए से, फिर से सोचो इस बात को, 1 रुपए से 24 रुपीज का बिजनेस कैसे हो पाया? मैंने वो 1 रुपए को 24 बार माया है, 24 रुपए का काम किया ना उससे मैंने। तो बिजनेस करने के लिए हर किसी के पास पैसे कम ही होते हैं, रेलेवेंट मतलब एक लिमिटेड ही होते हैं, डिपेंड करता है कौन उस पैसे को ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करता है। तो जितना अच्छा यूज़ करोगे उतना आपका टर्नओवर हाई होगा। हेलो, हाँ शिवम, कौन कौन देखने? हाँ, बेसिन में से बेसिन के नीचे देखो ऐसा वो गीला है क्या वो डस्टबिन? बंद कर दो, ये जो जो ये पूरा बंद कर दो फिर ऊपर को भेजते। हाँ बोलो, हाँ को ही बोल, उसको ही बोलना पड़ेगा। मैं आके देखूंगा उसको। ठीक है ठीक, तो अगर 24 साइकिल हमने घुमाया इसका मतलब क्या है? हमने 1 रुपए से 24 रुपए का काम किया। बात वही है ना, आपने 5 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख का काम किया, बोले ये सुनो 5 लाख से, इसका मतलब हर 1 रुपए के पीछे कितना 24 रुपए का काम हो रहा है। मतलब आपने 1 रुपए से 24 रुपए का काम किया, इसका मतलब आपने 1 रुपए को 24 बार घुमाया। अब कोई 10 बार ही घुमाएगा तो 10 रुपए कमाएगा, कोई 20 बार घुमाएगा तो समझ में आया क्या? तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना एफिशिएंटली काम करते हो, कितना जितना एफिशिएंटली काम करोगे उतना ज़्यादा आप सेल कर पाओगे या पैसे कमा पाओगे। हम लोग जितना जल्दी जल्दी है ना अपना एक रिवीजन ख़त्म करेंगे उतना जल्दी फिर दूसरा रिवीजन, तो जितना जल्दी काम करोगे उतना ज़्यादा आप उतनी ज़्यादा बार आप वो काम कर सकते हो। वही है इन्वेंट्री टर्नओवर, हमको जानना है कि हम कितनी बार अपना मटेरियल जो है ना खरीदने के बाद उसको कंज्यूम कर लेते हैं। मटेरियल खरीदा, यूज़ कर लिया, फिर नया खरीदा, फिर यूज़ कर लिया, फिर वापस नया खरीदा, फिर उसको यूज़ कर लिया। ये काम हम साल में, कि जब तक पुराना यूज़ नहीं होगा तब तक नया, और पुराना यूज़ नहीं हो रहा इसका मतलब गुड्स बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, तो सेल भी बहुत कमा नहीं पाओगे ना, फिर फास्ट होना चाहिए काम। अंडरस्टूड? तो इसका एक फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन मतलब हमने साल भर में कितने रुपए का मटेरियल बेच दिया या कंज्यूम किया, यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो कंज्यूम किया, डिवाइड बाय ऑन एन एवरेज हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक रहता है। एवरेज 5 लाख का स्टॉक गोडाउन में रहता है, इसका मतलब मैंने स्टॉक में कितने पैसे लगाए हुए हैं 5 लाख, लेकिन वो 5 लाख रुपए से मैंने कितने रुपए का बिजनेस किया, मान लो 1 करोड़ 20 लाख का, इसका मतलब मैंने साल में पैसे को 24 बार घुमाया, मटेरियल खरीदा, यूज़ किया, जितना जल्दी पुराना यूज़ करूँगा उतना जल्दी नया खरीदूंगा, और ये जितना जल्दी काम होगा मतलब आपका बिजनेस उतना अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है। ठीक है, अब बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ये तो मालूम होना चाहिए यार। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकंड, लाइट आ गई क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये बताओ एवरेज स्टॉक कैसे आता है? एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक लेवल नहीं है ये,
अलग अलग तरीके होते हैं एवरेज स्टॉक, वो स्टॉक लेवल वाला नहीं है, वो एक अलग तरीका हो गया यहाँ पे, और वो वेरी करता रहता ना, हर दिन अलग अलग होता है ना हमारे पास तो गोडाउन में स्टॉक। तो इसका जो पुराना तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू, ये अकाउंटिंग तरीका हो गया ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय, हाँ सिंपल है। आपको ऐसे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ऐसे एवरेज कंजम्पशन निकालना, सॉरी एवरेज स्टॉक निकालना है, और लास्ट में फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, लिख दो ये कॉन्सेप्ट। अच्छी वही चालू है क्या? अच्छा हम तो, तुमको ऑटो मिलना चाहिए बस, ऑटो बारिश के टाइम ये लफड़ा होता है, ऑटो वाले पता नहीं क्या करने लगते हैं। जहाँ पानी भर जाता है वो रास्ता है, कि उनका भी फटका लग जाता है बहुत, और बाकी तो डिमांड बढ़ जाती है। बारिश में कोई वॉक करना पसंद नहीं करता हाँ? अरे क्या है यार, कड़की चढ़ हर जगह, बारिश में चलना कहाँ पे, जहाँ पे वो गड्ढे वड्ढे ना हो, मस्जिद मस्जिद के लिए ठीक है भाई, जहाँ चर्चगेट जैसा रोड हो बढ़िया एकदम, वहाँ चलने में अच्छा लगेगा, यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ तो एक देखा होगा ना चर्चगेट के रोड वगैरह, वो एकदम ऐसा लगता है कि आप लंदन में चल रहे हो, वो एरिया में चलोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई आप, स्ट्रक्चर वैसे बनाए हुए हैं अंग्रेजों के बनाए हुए हैं वैसे, जो बिल्डिंग वो लोग बना के गए थे वो अभी तक है उधर और अच्छी दिखती है। यहाँ पे तो नहीं चल रहे हो, किसी ने पानी उड़ा दिया, पैर कहीं फंस कहीं पड़ गया कीचड़ में और खराब हो गया, उधर ही दिमाग खराब हो जाएगा। बारिश में एक तो डिमांड बढ़ जाती है, ऊपर से आधे लोग तो फिर ऑटो बंद करके बोलते भाई जरूरत है तो हो गया। आ जाओ इसके ऊपर क्वेश्चन एक देखते हैं। Now, it is question number 10. From the following data for the year ended 31st March 2021, calculate inventory turnover ratio of the two items and put forward your comments. So, two items kaun se hai? Material A, material B. Aapko kya kya diya hua hai? Opening stock plus purchase minus, तो क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल सा खाली फॉर्मूला लगाने का काम है। ठीक है, हेडिंग डाल दो चलो फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, और फिर दो कॉलम बनाना ऐसे पर्टिकुलर्स, और फिर दो कॉलम ए एंड बी। किसी को डर तो नहीं लगता ना, सब बिजली बिजली आती तो घर पे नहीं जा पाए नहीं यार कौन डरता है उससे, आदमियों को तो नहीं होता होगा
मैंने ऐसे गाइस में तो नहीं देखा है मैंने। हाँ देखा तो नहीं तू ये तो मेरा एक छोटा भांजा है, पहले वो डरता था, फिर मैंने बोला अरे वो दो क्लाउड्स हैं आपस में टकरा जाते हैं उड़ते उड़ते, आवाज आती बस कुछ नहीं है। पर थंडर स्टॉर्म वगैरह रहे तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे, कहाँ गिर जाए मालूम नहीं आपको। हाँ अच्छा ऐसे काफ़ी गाँव वाँव साइड में जहाँ खुली जगह होती है ना वहाँ पे। पर एक बार जिसके ऊपर गिर गई वो बचने का कोई चांस ही नहीं होता, वो तो जल जाता है पूरा उधर ही ख़त्म। चलो फटाफट ज़रा ये कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ये सब प्लस माइनस करके आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 और फिर आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो ये कैलकुलेशन जरा फटाफट खत्म करो और ए और बी के आंसर बताओ कितने आ रहे हैं। सेवन एंड 2.5 मतलब रॉ मटेरियल ए साल में 7 बार यूज हो जाता है, तरीके यूज करते हैं साल में 7 बार हो जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल बी सिर्फ 2.5 टाइम्स ही हो पा रहा है। तो कौन सा मटेरियल जल्दी यूज हो रहा है, ए, क्योंकि 7 बार यूज हो मतलब फटाफट यूज हो रहा है ना, और बी सिर्फ 2.5 टाइम्स ही यूज हो पाया तो वो जल्दी यूज नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर अपना एक कमेंट लिखना है। चलिए दो, रॉ मटेरियल बी इज अ स्लो मूविंग आइटम, रॉ मटेरियल बी इज अ स्लो मूविंग आइटम एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल ए। रॉ मटेरियल बी इज अ स्लो मूविंग आइटम एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल ए, करेक्ट लिखा था ना, पुट फॉरवर्ड योर कमेंट, ये कमेंट करना सिंपल है ये भी। आइए मिसलेनियस कैटेगरी वाले बहुत रेयरली कभी आता है, तब ऑलमोस्ट ना ही चांसेस रहता है, आया भी तो इजी छोटा छोटा मार्क 2-4-5 मार्क के लिए आ सकता है बस। इसके लिए हम लोग सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन लास्ट में कर रहे हैं और अभी सबसे सबसे मतलब आप लास्ट में ऐसे चाहिए उसको डिस्क्राइब करें वो कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, सबसे इग्नोर्ड जो है जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, ना ही आईसीआई ध्यान देते ना हम ध्यान देते, वो है अपना स्टोर्स लेजर। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टोर्स लेजर।
स्टोर लेचर मतलब आपने बहुत पहले भी ये काम किया हुआ है, फीफो लिफो से जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो जो आप बनाते हो फीफो लिफो, उसको स्टोर लेचर बोला जाता है। अब तुमको फीफो लिफो बोला मतलब याद आएगा कि हाँ फीफो लिफो क्या है। और फीफो लिफो से जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड स्टोर लेचर। स्टोर मतलब रॉ मटेरियल, और हम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास खरीद के आ रहा है, उसमें से कितना यूज़ हो रहा है जा रहा है मतलब, और कितना हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो रिसीट इशू बैलेंस यही होता है ना। हाँ, इसके लिए अपने पास कुछ मेथड्स हैं। वैसे तो यहाँ पे जनरली तीन तरह के मेथड्स आपको पूछेंगे वो लोग, ये तीन ही हैं आपके सिलेबस में क्वेश्चंस की बात करें तो। पहला है फीफो। फीफो फुल फॉर्म इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वी आर अज्यूमिंग कि जो मटेरियल हमने पहले यूज खरीदा था उसको हम पहले यूज़ करेंगे, और जो बाद में खरीदा था उसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, नया वाला बाद में यूज़ करेंगे, पहले पुराना वाला यूज़ करेंगे। यही हमारी थियरी होती है ना, हर जगह पे हम लोग ऑलमोस्ट यही करते हैं। घर में फरसान का पैकेट पड़ा हुआ है, कोई पुराना पुराना खुला हुआ है, नया खरीद के लेके आया तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पुराना वाला पहले यूज़ कर लेंगे, वो ख़त्म होने के बाद फिर नया पैकेट। समझ में आया कि नहीं? फीफो फॉलो करते ही यार, किसी ने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी कर रहे ना लोग फॉलो। फिर सब्जी आई मान लो खरीद के, तो अगर कुछ पुरानी पहले से फ्रिज में है तो उसको पहले ख़त्म कर देंगे ताकि वो ख़राब होने से पहले, बराबर ना। तो ये काम हम लोग करते रहते हैं। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खाने बैठे हो, आपके प्लेट में रोटी या पराठा कुछ पड़ा हुआ है, वो थोड़ा ठंडा हो गया है, और तब तक मम्मी गरम गरम पराठा बना के लेके आई, वो भी आपके थाली में रख दिया या बाजू में रख दिया आपको, तो आप क्या करते हो, पहले कौन सा ख़त्म करते हो? पहला वाला ना, जो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, और वो खाते खाते जो गर्म आया था वो भी ठंडा हो जाता है। समझा क्या? तो जो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है उसके चक्कर में तुम नया वाला क्यों ठंडा करते हो? नहीं करना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए? यस, पर लोग नहीं करते ऐसा। अगर आप वो करते हो मतलब आप लीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, लास्ट इन, हाँ जो लास्ट में आया पहले उसको ख़त्म करो, अभी गर्म ही होगा वो, बाकी जो ठंडा हो चुका है तो अभी खाएं चाहे बाद में खाएं, वो तो ठंडा हो ही गया, वो तो उतना ही रहने वाला है। अरे समझ में आया क्या? हाँ वही काम है, प्रेजेंट में जियो। तो इसका उल्टा जैसे मैंने बताया, हाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन। हाँ, और अगर आपको ये नया पुराना कुछ नहीं करना है तो एक मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा? हाँ, फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे क्या नया है क्या पुराना है, नया पुराना आएगा सबको मिक्स कर देंगे, फिर यूज़ करना होगा तो कोई भी उठा लेंगे, नया पुराना देखेंगे ही नहीं हम लोग। समझ में आया आपको? दैट इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड, वैम बोलते हैं शॉर्ट में उसको। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन अपने को करना है। वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस शायद 1-2% ही हो सकता है, बहुत कम है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना होगा जो शायद आपके फाउंडेशन से या ग्रेजुएशन से अलग हो सकती है, यहाँ पे लॉसेस दिया होता है। क्या दिया होता है? लॉस। मटेरियल है ना, स्टोर रूम में ख़राब भी तो हो सकता है, या ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए, तो आप लॉस को दो तरह के लॉस बता सकते हो, दो पार्ट में बांट सकते हो। कल भी शायद अपनी बात हुई होगी इसके ऊपर लास्ट लेक्चर में। लॉसेस दो तरह का होता है, कैसा? नॉर्मल, अब नॉर्मल। समझ में आया आपको? हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसा है कि जो जनरली ख़राब होता ही है तो उसको हम उसको नॉर्मल बोलेंगे, और कोई चोरी वोरी हो गई मान लो, है ना, अचानक से आग वाग लग गई, वो सब क्या है? अब नॉर्मल, ये नहीं होना चाहिए, आपकी गलती है, आप उसको अवॉइड कर सकते थे। तो नॉर्मल में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं, ओनली क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड। हम लोग ऐसे ही करते थे ना जब पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, खाली क्वांटिटी माइनस कर देते थे और पूरा खर्चा इन्हीं को बेयर करना होता था, कॉस्ट को कम नहीं करेंगे। यहाँ पे बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू आर रिड्यूस्ड, मतलब क्वांटिटी भी गई और उतना अमाउंट भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और वो अमाउंट हम लोग पी एंड एल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? हाँ,
उसको अपना लॉस बोल के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग उसको माइनस करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, तो बस ये चीज़ का ध्यान दे रहा खाली, बाकी एवरीथिंग विल बी सिमिलर। ओके चलो, आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, लिख दो स्टोर्स लेजर और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तीन क्वेश्चंस है अपने पास, फीफो लीफो वेटेड एवरेज। एग्जाम में भी आप बहुत क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चंस करके नहीं जा सकते, आपको एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेने बस। किसने किसने किया हुआ था अच्छे से फाउंडेशन में, बोला तो किया था, एग्जाम में आया तो नहीं होगा, तुमने नहीं किया था, छोड़ते हो कॉलेज में, सब लोग फाउंडेशन में छोड़ के गए थे इसको, है ना, इन्वेंट्री टॉपिक में कुछ हमें तो 15 मार्क्स इससे मिल जाते हैं फर्स्ट ईयर में, अकाउंट्स में, है ना। बढ़िया है, हाँ 7। थर्ड ईयर में भी है, डन। चलो जाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तीनों पे एक एक क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2021। फोर्टनाइट मतलब दो वीक या हाफ मंथ, फोर्टनाइट मतलब हाफ मंथ्स, ठीक है, तो हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं। स्टॉक ऑन 1st अप्रैल 100 यूनिट एट द रेट ₹5 पर यूनिट, फिर परचेसेस, अंडरलाइन परचेसेस, ये 15 दिन में हमने कितनी बार परचेस किया, शायद हमने इधर 3 बार परचेस किया, एक 5 तारीख को, एक 8 तारीख को और एक 12 तारीख को। फिर इशूज, इशूज को अंडरलाइन करना, इशूज, इशू मतलब इशू टू फैक्ट्री, इशू टू, हाँ इतना कंज्यूम किया, यूज किया हुआ, बराबर। तो हमने 6 तारीख को कुछ मटेरियल फैक्ट्री में भेजा था, थोड़ा 10 तारीख को भेजा हुआ है, थोड़ा 14 तारीख को भी भेजा हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड पार्ट, कैलकुलेट यूजिंग फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15th अप्रैल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, फीफो लीफो दोनों मेथड से सॉल्व करना। फिर बी पार्ट में बोला हुआ है कि फीफो और लीफो का आंसर अलग अलग क्यों है, तो ये हम लोग बाद में थियरी क्वेश्चंस जब भी देखेंगे तब ये उसमें रीड करेंगे, लीफो वर्सेस फीफो, बेसिकली थियरी पूछ रहे हैं लोग, फीफो लीफो की थियरी, ठीक है, थियरी अभी हम लोग डिस्कस करने नहीं बैठे, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। अंडरस्टूड? चलो लेट अस स्टार्ट। इसमें आपके पास स्पीड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता, यहाँ स्पीड चाहिए होती है, अकाउंट्स का टिपिकल नेचर ही ऐसा है, अकाउंट्स में आपको दिमाग कम लगाना होता है, स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। पोस्टिंग में ऐसा है कि स्पीड थोड़ी कम होगी चलेगा, दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, हाँ तो अभी तो शुरुआत हुई है। स्पीड वाला काम तो रोबोट भी कर सकता है,
चलो बनाते हैं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 11 था ना? हाँ, तो हेडिंग डाल दो स्टोर्स लेजर फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2021 है ना? इसमें दो तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग एस पर P4 सॉल्व कर लेते हैं, एस पर फीफो। सुनो फॉर्मेटिंग कैसा रहने वाला है। एक कॉलम डेट के लिए बनाएंगे, फिर रिसीट, इशू और बैलेंस। आज होता रहेगा ऐसा, बारिश वारिश हो रही है तो। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ इसमें क्या है, फॉर्मेट तो अपने को मालूम ही होगा। इसमें तीन तीन कॉलम बनाते हैं हम लोग। क्वांटिटी रेट अमाउंट, एक तारीख को हमारे पास बैलेंस है ना 100 यूनिट 5 रुपए के भाव पे, बैलेंस पे लिख दोगे। डेट में आएगा 1 अप्रैल। डेट वाइज जाते हैं हम लोग। सब साथ में चल रहे हैं, 1 तारीख की एंट्री पास करो प्लीज फटाफट। रिसीट इशू में कुछ नहीं लिखना, सीधा बैलेंस में जाके रख लियो। चलो 1 तारीख के बाद बताओ अगला ट्रांजैक्शन कौन से डेट को दिया हुआ है। 5 तारीख को है सीधा, श्योर? क्या हुआ है 5 तारीख को? कितना 300 एट वॉट रेट? 300 × 6 1800 रुपये का सामान खरीदा हमने। हमारे पास पहले से कुछ पड़ा हुआ है क्या? 100 है ना, लेकिन वो 100 5 रुपये के हैं और ये जो 300 खरीदा वो, मतलब ये दो अलग अलग तरीके के गुड्स हैं। इनको क्या करना है, मिक्स नहीं करना है, अलग ही रखना है। अभी ये परचेज के बाद आपके पास दो लॉट हो गए, एक 5 रुपये वाले और कुछ 6 रुपये वाले। पहले कौन से आए थे? 5 वाले ऑब्वियसली, तो जब यूज करना होगा तो पहले उन्हीं को यूज करेंगे। नेक्स्ट डेट बोलो। 6 को क्या हुआ है, कितना 250 फैक्ट्री से कॉल आया है कि सर 250 यूनिट भेज दो। मैं 250 यूनिट कौन से भेजूं, मेरे पास दो लॉट है, 100 पुराने और 300 नए। तो क्या करूं, पहले 100 पुराने वाले खत्म कर दूं? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले पुराना वाला 100 खत्म कर दो और 150 नए वाले में से दे दो, हो गया ना 250। ये 100 5 रुपये वाले हो गए और ये 6 रुपये वाले हो गए, 500 और 900। और ये नए में से अभी कितने 150 बच गए ना,
नेक्स्ट डेट बोलो, एट्थ, एट्थ को क्या हुआ है, कितना 500 किस रेट पे, 7 रुपये पे, 3500। कुछ पहले से है हमारे पास, हाँ 150 पहले से है, 6 रुपये वाले, 5 वाले तो यूज़ हो गए, 6 वाले बचे हुए थे, 500 और ले लिए हमने, 7 वाले, अभी 2 लॉट हो गए। नेक्स्ट डेट प्लीज, 10th को क्या हुआ है, इशू, कितना 400 कहाँ से थे हमारे पास, 150 पुराना है और 500 नया है, पहले पुराना 150 खत्म कर देते हैं और फिर नए वाले में से जो कम पड़ रहा है नए वाले में से निकाल लो, 250 कम पड़ रहा है ना, निकाल दो उसमें से, 6 रुपये और 7 रुपये, 250 × 7 कितना हो गया, 1750। और ये बचे अपने पास और 250, 7 रुपये वाले, 1750। इजी है ना यार, क्या टाइम पास है ये खाली। नेक्स्ट डेट बोल दो, 12th, कितना एट द रेट 8,4800, पहले से 250 पड़े हुए थे, 600 और खरीद लिए, 2 लॉट हो गए हमारे पास, 7 रुपये वाले और 8 रुपये वाले। चलो एक और ट्रांजैक्शन लास्ट बचा होगा इसके बाद, 14th को हुआ है सीधा, 500 यूज करना है, 500 कहाँ से, 2 मिनट, 250 पुराने वाले पहले वो खत्म कर देते हैं और नए में से 250 निकाल लेते हैं, ये 7 रुपये वाले गए, 8 वाले में से भी 250 निकाल लिया, 8 वाले में से कितने बच गए फिर, 350 बच गए ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक, 2 चीज़ें चाहिए। अब बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मालूम पड़ेगा आपको, इशू मतलब कंज्यूम ना, इशू किया मतलब किसको दिया, फैक्ट्री को ही दिया, मतलब यूज़ तो हुआ है, तो इशू साइड का जो टोटल है ना, इशू साइड में जो अमाउंट है ना, इनको सबको ऐड कर लो, तो मालूम पड़ जाएगा आपने कितने का मटेरियल फैक्ट्री को दिया यूज़ करने के लिए, 7800। और फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा होगा आपके पास, 2000, हाँ वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू अमाउंट बताना है अपने को, 7800 रुपये का मटेरियल यूज कर लिया और 2800 का मटेरियल अभी आपके पास बचा हुआ है। अभी अपने को ये सेम काम करना होगा एज पर FIFO, इजी था क्या, समझ में आया, चलो हेडिंग डालो एज पर FIFO और SI फॉर्मेट बना दो,
चलो फटाफट अभी ओपनिंग बैलेंस तो एज इट इज लिख दो, 105,500, फिर शायद 4-5 तारीख को परचेज किया ना तुमने कुछ, 5 तारीख को, वो भी एज इट इज आ जाएगा। कितना क्वांटिटी खरीदा तुमने? 300, 6 रुपये के रेट से ना। तो अभी अपने पास दो लॉट हो गए, 100, 300, एक 5 रुपये वाला, एक 6 रुपये वाला। नेक्स्ट डेट क्या है? 6 तारीख, 6 तारीख को क्या हुआ है? इशू करते टाइम याद रखो यू आर इनटू लीफो मेथड। लीफो मतलब जो लेटेस्ट खरीदा होगा पहले यूज कर लो। कितना मांग रहे हो लोग? 250। कितना मांग रहे हैं? और नए वाले परचेज में तो 300 है, तो उसमें से पूरा 250 जा सकता है आराम से। तो लास्ट इन मतलब लेटेस्ट में से काम हो जाएगा अपना। तो 6 रुपये वाला भेज दो सब। तो आपका ये पुराना 100 ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसमें नए वाले में से 50 बचा रहेगा। ये समझ में आया क्या आपको? नेक्स्ट बोल दो। 8, 8 कितना? 500 एट द रेट 7, 3,500। तो अभी आपके पास 100 है, 50 है और ये 500 और आ गए, सब जमा होते जा रहे हैं ना। आठ के बाद 10, 10 को शायद इशू किया होगा। कितना इशू किया है? तो 400 तो पूरा लेटेस्ट वाले में से हो जाएगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो, जो 500 है लास्ट वाले में से ही पूरा 400 जा सकता है। तो 100, 50, 100, इसमें से भी 100 बच गए। समझा आपको? 12 को फिर से परचेज करो, फिर 14 को इशू कर दो और ख़त्म कर दो इसको। बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके। ओके, अंडरलाइन माइक्रो कंट्रोलर, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ओके और हम लोग इसको यूज करके लॉग मैक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉग मैक्स। और लॉग मैक्स जो है ना वो कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होता है, हम लॉग मैक्स बनाते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर्स। और वो माइक्रो कंट्रोलर का डेटा दिया हुआ है कौन से महीने के लिए। इस पैराग्राफ में सब बकवास है, कोई भी काम की चीज़ नहीं की उन्होंने, बस खाली सितंबर महीने का डेटा इतना बताया है बस। बाकी ये लोग कब चालू किया था इन्होंने काम, कितना काम करते हैं, इनके कौन से क्लाइंट है, कितना क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, अपने को क्या मतलब है इससे। अपने को चाहिए रिसीट इशू और बैलेंस। यार पूरा बकवास है ये। आगे रीड करो। ठीक है, हाँ, इनकी इनकी फैक्ट्री का नाम है मैकेनिकल डिवीजन। तो दो फैक्ट्रीज हैं इनकी, मैकेनिकल डिवीजन और टेक्निकल डिवीजन। यहीं पे ये लोग लॉग मैक्स वो अपना माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हैं फैक्ट्री में। और हाँ
नहीं वो रीड करने की जरूरत नहीं। चलो आगे, इशूड की रिटर्न, अच्छा अच्छा टेंथ को। हाँ ओके, ऊपर वाला मटेरियल एक्विजिशन नंबर देखो टेक 1220, और नीचे वाला देखो टेक 1220। ये हुआ क्या है 12 तारीख को? टेक्निकल डिवीजन को जो दिए थे ना हमने कुछ 12,000 यूनिट्स, उसमें से 2,375 यूनिट्स वहाँ से स्टोर्स में रिटर्न आ गए, उन लोगों ने रिटर्न कर दिया, फैक्ट्री ने रिटर्न कर दिया। कोई भी रीज़न रहा होगा यार, हो सकता है वो स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रहे होंगे, या कुछ मान लो एक्स्ट्रा बच गया होगा। बच जाता तो फिर वापस भेज ही देंगे ना वो लोग। जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए आपको, दूध फैक्ट अपना फ्रिज में रखा हुआ है, एक बड़ा सा बर्तन होगा जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आपने बर्तन निकाला, उसमें से 2 कप दूध यूज़ किया, बाकी बचा हुआ दूध क्या करोगे? वही होता है ना, जो बच जाता है उसको हम लोग वापस स्टोर रूम में डाल देते हैं ना। यही यहाँ पे हो रहा है, जो मटेरियल बच गया उसको वापस स्टोर रूम में भेज दिया, कोई बहुत अजीब बात तो नहीं है, ये नॉर्मल है। आगे तो बोलेंगे वो लोग, खराब अपने आप से अज्यूम नहीं करना, खराब मतलब लॉस है, और लॉस वो लोग मेंशन करेंगे। और आगे वन सिक्सटी 2020, ठीक है वेरी गुड। आगे ऊपर वाला ऑर्डर, मतलब 16 तारीख 15 तारीख को जो हमने गुड्स रिसीव किए थे, मतलब खरीदा था, परचेज ऑर्डर मतलब खरीदा था, उसमें से 700 यूनिट हमने रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो ये परचेज रिटर्न है। ये बराबर नहीं रहे होंगे ना, कुछ टूटे फूटे कुछ भी रहेंगे, रिटर्न कर दिया हमने। और आगे बराबर इशू किया हुआ है। चलो आगे, 20 तारीख तक का डेटा है, उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट है रीड करना। हाँ समझा क्या हुआ? स्टॉक मैनेजर 20-25 तारीख को क्या बोलता है, सर मुझे कुछ अर्जेंट काम से गांव जाना पड़ेगा, और उसी दिन उसने काम छोड़ भी दिया। इतना क्या अर्जेंट है, गांव में क्या हुआ है? वो तो नहीं बताया, इतनी बहुत पंचायत ही है इनको पूरी। लेटर, हाँ जैसे ट्रेन पकड़ी उसने फोन बंद कर दिया। आपको थोड़ा सा सस्पिशन नहीं लग रहा यार? कुछ बोलता है मुझे अचानक से गांव जाना है, फिर वो उसी दिन चला भी गया फटाफट, फोन भी बंद कर दिया, ये तो डाउट हो रहा है। और आगे स्टॉक टेकिंग को अंडरलाइन करो, तो लिखो स्टॉक काउंटिंग। स्टॉक टेकिंग मतलब हाँ हर महीने के एंड में ये लोग काउंटिंग करते हैं स्टॉक, फिजिकली जाके जो बुक्स में लिखा हुआ है जाके फिजिकली चेक करते हैं बराबर मैच है कि नहीं। देखो क्या हुआ उसे, रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स अंडरलाइन करो। रस्टिंग मतलब मालूम है लोहे में जंग लग जाती है, वो नॉर्मल लॉस है, ये तो होता ही है। उधर रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स को अंडरलाइन करो, तो लिखो नॉर्मल। और आगे हाँ बनाया, क्या हुआ है? पता चला कि 900 यूनिट जो है वो गायब है, और वो पुराने स्टॉक मैनेजर ने उड़ा दिए, इसीलिए उसको गांव जाना था। और अच्छा तो 900 चोरी हो गए और 300 रस्टिंग की वजह से खराब हो गए। जो रस्टिंग की वजह से खराब हुई वो नॉर्मल है, लेकिन जो चोरी हो गए वो एब नॉर्मल। आगे यस, वेटेड एवरेज मेथड अंडरलाइन करना, ये कुछ भी दम नहीं है इसमें, खाली ये जो है ना ये लॉस के बारे में बस।
सीधा सीधा लिख सकते थे, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस खत्म। लॉस समझाने के लिए वो स्टॉक मैनेजर को चोर बना दिया इन लोगों ने, गांव जा रहा है, मोबाइल बंद कर ली, कितनी कहानी बना दी इन्होंने। और फर्स्ट पैराग्राफ में भी कुछ भी नहीं था, बस यही है, इतना ही क्वेश्चन है ये बस, समझा? इनकी कहानी पढ़ ली आपने, समझ में आ गई, बस अब ये भूल जाओ इसको। अब जो अपने काम की चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। हेडिंग डाल दो, स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर 2021। अरे लिख दो यार, जो 22-3 जो है सब लिख दो, उधर लिख देना एज पर पैम। चलो फटाफट जरा फॉर्मेट रेडी कर लो। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? दिया है 1 सितंबर को, कुछ लिख दो पहले तो, वही लिख दो। फर्स्ट सितंबर कितना है बैलेंस? हाँ 285, मल्टीप्लाई कर लो। थाउजेंड एट द रेट 285। सेवेंटी एट लैक्स, 17-10। ठीक है, नेक्स्ट डेट बोलो फटाफट। सीधा 8 सितंबर। ओके क्या हुआ 8 को? इशू किया है कितना? 4875। फटाफट 285 से मल्टीप्लाई करो, स्पीड मेंटेन रखो। इधर एक क्वेश्चन आ भी गया तो इसमें अगर आप मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले लेते हो तो बेसिकली फिर वो ये क्वेश्चन आने से आपको नुकसान हो जाएगा। और 1389 तो 6000 में से 4875 गए, बचे कितने? 1125 है ना, 285 के भाव से। सिक्स ट्वेंटी फाइव, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट डेट बोलो। 9 सितंबर को क्या हुआ है? परचेज हुआ है ना, रिसीट ना, बोलो कितना? एट द रेट 276 मल्टीप्लाई कर लो। ₹48,30,000। अभी ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो आप? रैम वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में ना फर्स्ट 10 लास्ट 10 ऐसा कुछ नहीं देखते, नया पुराना रखते ही नहीं है, हम सारे स्टॉक एक साथ कर लेते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी कितने किलो कितना यूनिट्स पड़ा हुआ है? 1125। और नया कितना खरीदा आपने? दोनों को ऐड कर लो, दोनों की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी अभी 18,625 बराबर ना। क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड कर लो, अमाउंट अमाउंट ऐड कर लो,
320,625 और 48,30,000, तो 3 and 48 ये हो गया 51, 51 लाख ना, 51,50,000 625. तो ये जो 18,625 यूनिट्स है उनकी कॉस्ट कितनी है, 51,50,000. डिवाइड करो जरा, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स और एवरेज बताओ कितना आ रहा है, 276. हाँ तो सुनो, अभी कैलसी पे तो चलो तुम ये जो नंबर आया लिखने के लिए यहाँ पे दो डिजिट लिख लोगे 276. हाँ पर कैलसी पे पूरा रखना, क्या बोला मैंने समझा, लिखने के लिए दो डिजिट लिख दो, कैलसी पे पूरा नंबर रखो. अब आगे देखते हैं क्या करना है, नेक्स्ट डेट बोलो. 10th को क्या हुआ है, इशू किया है कितना, 12,000. अब ये फीफो और लीफो नहीं है जहाँ पे आप सोचोगे कहाँ से यूज करें, आपके पास एक ही लॉट है बस, समझा, यहाँ पे अलग अलग नहीं, एक ही है, इसी में से देना है. तो आप कितना 12,000 ना, पूरा 12,000 लिख दोगे और जो कैलसी पे अमाउंट रेट होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 12,000 कर दो, 33,18,524 कर लो, हाँ वो राउंड ऑफ कर दो भाई, समझा मैंने क्या बोला. हाँ तो बहुत डेसिमल आते हैं ना, तो लिखने के लिए दो लिख देने का, पर कैलसी पे सारे लेके मल्टीप्लाई करो, तो क्या वो राउंडिंग ऑफ एरर जो होता है ना अपना, राउंडिंग ऑफ की वजह से 10-20 रुपये 50 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, वो नहीं आएगा. अब आपके पास बताओ कितने बचे, 18,625 में से 12,000 भेज दिया आपने, 6,625 बचे, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दो, 17 कितना है, 18,32,101, ये समझ में आया आपको, और डिवाइड करोगे तो रेट वही आएगी 276. हाँ रेट कब चेंज होती है, जब कोई नया स्टॉक खरीद के लेके आओगे ना, पुराने में मिक्स करोगे तो रेट बदल जाएगी, फिर इशू करने पे रेट नहीं बदलेगा, कभी रिसीट के टाइम पे रेट बदलेगा. चलो नेक्स्ट डेट बोलो, 12 सितंबर, रिटर्न टू किस साइड रिकॉर्ड करें, इशू बैलेंस, इशू या रिसीट, स्टोर में आ रहा है कि स्टोर से जा रहा है, स्टोर में आ रहा है तो रिसीट कितना, हाँ 2375, और उसका 276.54 रेट है ना, हाँ वो रेट पूरा लेना होगा लेकिन आपको, और मल्टीप्लाई करो, क्या होता है रिटर्न, क्या सप्लायर को रिटर्न किया हमने, कहाँ से रिटर्न आया, फैक्ट्री को हमने किस भाव में दिया था, फैक्ट्री को किस भाव पे दिया था हमने, तो वही लेंगे फिर, जिस भाव पे गया था उसी भाव पे वापस आएगा ना. अमाउंट बोलो कितना आया, 6,56,791,790. चलो ठीक है, वो एक आध रुपया ठीक है चलेगा. अब ये आया तो आपके पास स्टॉक बढ़ जाएगा ना, अभी चलेगा चलेगा, एक रुपया 6,625 में ये 2375 ऐड कर लो, 9,000 आ जाएगा शायद, और अमाउंट में अमाउंट ऐड कर लो, $18,32,000 था ना उसमें 656 ऐड हो जाएगा, 24,88,891. ये सबकी समझ में आया, नेक्स्ट डेट बोलो, 12 के बाद कौन सा, 15th को क्या हुआ है, कितना एट द रेट, 288 मल्टीप्लाई कर लो, 2592.
चलो अभी आपके पास 9 पहले से थे, 9 और आ गए 18,000 हो गए। अमाउंट में अमाउंट ऐड कर लो। फिफ्टी 80 ना, 891। और अभी एवरेज चेंज हो जाएगा, जरा डिवाइड कर लो 50 को इससे, 280.27। पर कैलसी पे पूरा रखो, बताओ 15 के बाद क्या, 17 को क्या हुआ है कितना, तो इशू में लिखो। अब रिटर्न में क्या भाव दिखा है हम लोग, सप्लायर से किस रेट में खरीदा था आपने, 288 को दे ले हो। रिटर्न मतलब परचेज, उल्टा परचेज कैंसिल करना होता ना, तो 288 में खरीदा था, तो रिटर्न के टाइम पे भी हाँ वो याद रखने का, 288 के भाव से मल्टीप्लाई कर लो। जिस भाव में खरीदा होगा उसी भाव में रिटर्न होगा, जिस भाव में इशू किया था फैक्ट्री में उसी भाव पे वापस आएगा वो, तो ये जरा उस पर ध्यान देने का। 2,01,600। अब ये माइनस कर दो, 18,000 में से 700 गए, 17,300 बचे। 50 में से ये माइनस हो गया, 50 माइनस 2 48 79 291। और अभी जरा डिवाइड करके नया रेट निकालो, तो 04 कर लो और कैलसी पे रखो 04 को, ठीक है। बोलो नेक्स्ट, 20th क्या हुआ है, 20th को इशू कितना, 9,500, उससे मल्टीप्लाई कर लो 282.04 से, 282.04 से मल्टीप्लाई करो, 26,79। ओके अभी 17,300 में से 9,500 गया, कितना बच गया, 7,800। और अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर लो, नाइन हंड्रेड एंड इलेवन या 12 भी हो सकता है ना शायद, हमने उधर 1 लिखा है, यहाँ 9 माइनस कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ ठीक है, चलो 20 तारीख हो गई, 20 तारीख के बाद क्या, 20 तारीख को फिर बीच में 25 तारीख को गांव चला गया वो चोरी करके 900 यूनिट, और अपने को कब रिकॉर्ड करना है, 25 को रिकॉर्ड करें या 30 को रिकॉर्ड करें, मालूम कभी पड़ा, 30 को ही मालूम पड़ा, 25 को ही मालूम होता तो उसको जाने थोड़ी देते अपन, 30 को मालूम पड़ा 30 को रिकॉर्ड करेंगे। दो तरह के लॉस हैं, नॉर्मल एंड लॉस को इश्यू साइड में रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मटेरियल गया पहले, अबनॉर्मल जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हो, पहले अबनॉर्मल ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अबनॉर्मल कितना है, 900। मैंने क्या बोला था, अबनॉर्मल में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों दिखाने का, 900 यूनिट खराब हो गए ना या चोरी हो गए, अभी कितने का सामान था यह भी तो मालूम होना चाहिए ताकि उतना लॉस हम अपना पीएनएल में बुक करें। तो ये इसका भाव 282.04 के हिसाब से ले लो, एवरेज मल्टीप्लाई कर लो, 253,836। क्लियर, इतने का सामान चोरी हो गया 2,50,000 रुपए का। तुम सब स्टोर मैनेजर को ही बस चोर बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो उसको, उसकी साइड की भी स्टोरी हो सकती है बेचारे की,
हो सकता है उसको 3 4 महीने से पगार नहीं मिली हो, परेशान होके उसने ये स्टेप लिया हो, कौन जानता है। तो इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अपना मल्ला समझ गए। 7,800 में से 900 गए, बचे कितने? 6,900, 282.04। अमाउंट में से अमाउंट माइनस करके लिख दो फटाफट गाइस। जीरो सेवन, ओके वेरी गुड। तो 30 तारीख को हमने देखा कि 300 यूनिट और खराब हुए हैं, पर वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस की हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्वांटिटी, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू वैसे ही रहती है, बाकी लोगों को लॉस बेयर करना होता है। तो हमारी क्वांटिटी 6,600 पे आ जाएगी, और ये 6,600 यूनिट को ही पूरा 19,46,000 का खर्चा बेयर करना होगा। तो बताओ इनकी पर यूनिट रेट क्या होगी? फिर हर एक की रेट हम थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे। 294.86, ये समझ में आया आपको? ये है लॉस का ट्रीटमेंट। नॉर्मल रहा तो ओनली क्वांटिटी, अबनॉर्मल है तो फोर। और ये वाला जो अमाउंट है 253, इसका हम क्या करेंगे? इसको पीएनएल में ले जाके डेबिट करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। देखते ना अगर ये होगा, इसमें से अगर कुछ इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा ही नुकसान। इज दैट क्लियर? इजी था ना वैसे? हाँ, वेटेड एवरेज किया है तुमने पहले से? वेटेड एवरेज में जब परचेज करके लेके आते हो तो पुराने में नया ऐड कर देने का, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर देने का, और फिर अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। चलो जस्ट वन मोर क्वेश्चन ऑन फीफो मेथड, जिसमें थोड़ा लॉस वॉस दिया हुआ है तो वो अपने को करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 16 या नहीं है, 20 के आसपास होगा शायद। हाँ, 20th। AT Limited furnishes following transactions for September 2021. Opening balance दिया हुआ है, ठीक है, 25 units, value दिया हुआ है 162.5, इनकी total value है ये। Per unit आपको देखना होगा कितना है, करो divide करके per unit देख। बराबर ना? उसके बाद issues है, फिर receipts, फिर इशू, फिर रिटर्न टू बी एन कंपनी, परचेज रिटर्न है ना, फिर वापस इशूज, फिर से इशूज, फिर रिसीट, फिर इशू, फिर रिसीव्ड रिप्लेसमेंट, साइलेंट पे रखना भूल गया, ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ सकती है दोस्त। फाउंडेशन वाले से 100-100 रुपये लेते हैं, फोन बजाता हूँ। हाँ, मुझे ज़्यादा सर एक क्वेश्चन का 100 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, तेरा तेरे साथ आज तो किसी ने नहीं किया ना, पहली बार है। चल पहली बार माफ कर दे। फोन यूज किया वो तो बिल्कुल नहीं, फोन बच गया मान लो गलती से एक आध बार, थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि कोई यूज करता हुआ मिल गया तो फिर वो इंटेंशन भी उनके मालाफाइड इंटेंशन हो गए फिर तो। ओके, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट, इसका मतलब मुझे बताओ क्या है ये? फ्रॉम बी एन कंपनी। हाँ, अरे रिटर्न करोगे तो नया भेजेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अच्छे वाले भेजता हूँ। समझ में आया आपको? तो आ गए वापस रिसीट। अच्छा, वही पुराने वाले भेजेगा कि नए भेजेगा? ये रिप्लेसमेंट का मतलब न्यू है, ये समझा आपको? न्यू मानने का इसको, एज इफ वी हैव मेड अ फ्रेश परचेज ऑन 19th of September। इज दैट क्लियर? फिर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटीरियल ऑफ एम एन कंपनी, एम एन कंपनी को काट के यहाँ पे बी एन कंपनी करो।
एमएन कंपनी का मटेरियल हमने अभी तक यूज ही नहीं किया है, रिटर्न आने की बात ही नहीं है। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब, डिपार्टमेंट का मतलब फैक्ट्री है यहाँ पे। हाँ यस, 5 यूनिट राइट। तो क्या ये नए गुड्स आएंगे फैक्ट्री से? हमने जो फैक्ट्री को दिया वही भेजेंगे ना वो लोग। हाँ तो ये भले तुम रिसीट में रिकॉर्ड करोगे, इसको आया ना, रिसीट में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इसको नया नहीं बताने का, पुराना वाला ही है ये, हमने यूज करने के लिए दिया था, उधर यूज नहीं हुआ, फैक्ट्री से वापस आ गया। तो रिप्लेसमेंट में और इस रिटर्न में फर्क है। रिप्लेसमेंट में सप्लायर नया गुड्स भेजेगा, और हमने फैक्ट्री में कुछ भेजा था उसमें से कुछ बच गए, उन्होंने वापस कर दिए, तो कौन से आए? उसी में से बचे हुए, पुराने ही आए ना, तो ये पुराने हैं। और बताओ एम एन कंपनी के गुड्स, बी एन कंपनी के गुड्स हमने कब खरीदे थे? 10 तारीख को, करेक्ट ना? तो 10 तारीख वाले ही हैं ये, अभी तक यूज नहीं हुए, भेजे थे वापस आ गए। बी एन कंपनी 6 तारीख है, अच्छा 10-6 तारीख का राइट, तो और पुराने हो गए फिर तो ये, ठीक है। देन ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू जॉब नंबर 187 इन द डिपार्टमेंट। जॉब मतलब दो काम होते हैं ना, जैसे एक काम खत्म हुआ उसमें से दो काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं मतलब फैक्ट्री में, तो हमने एक से दूसरे को दे दिया। इससे स्टोर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्टोर मतलब गोडाउन, गोडाउन से मैंने फैक्ट्री में भेज दिया, अब फैक्ट्री में आपस में जहां भी यूज हो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन स्टोर्स। तो इसको क्या करने का फिर? इग्नोर, ठीक है, दिस विल नॉट अफेक्ट स्टोर लेजर। फिर इशू आएगा ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में चला गया, मान लो सो स्टोर रूम में से कुछ मार्कर वार्कर निकाल के फाउंडेशन की क्लास में दिया, अब फाउंडेशन की क्लास में दिया तो उन्होंने एंट्री पास की होगी, फिर फाउंडेशन में से मान लो एक आध मार्कर एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो इंटर में चला गया, फाउंडेशन से इंटर गया वो ठीक है, लेकिन क्या स्टोर में कोई फर्क पड़ा? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक फैक्ट्री के अंदर ही एक जॉब से दूसरे जॉब, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टोर में फर्क पड़ रहा है क्या? तो नहीं रिकॉर्ड करने, इग्नोर। देन शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, शॉर्टेज तो नहीं होना चाहिए भाई, खराब हो जाए ठीक है, शॉर्टेज कैसे हो गई? तो इसको हम क्या मान रहे हैं इधर? अब नॉर्मल है ये, 2 यूनिट शॉर्टेज मतलब मालूम है ना, अपने काउंटिंग की तो मालूम पड़ा 2 यूनिट गायब है, खराब हो जाते तो वही होते ना गायब। प्रिपेयर अ प्राइस स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड एंड स्टेट हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज, वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी, हाँ सो वी विल हैव टू राइट अ नोट ऑल्सो देन, ठीक है, बना दो फटाफट फॉर्मेट बना दो, या आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। फिर एक आध क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में फीफो लिफो का बचा हुआ है, वो तो आराम से घर पे चाय वाय लेके बैठना। हाँ है ना तुमको शेड्यूल, कल होगा परसों नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 20 राइट, उधर लिख दो स्टोर्स लेजर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 एज पर फीफो मेथड, वो लिखना जरूर। फिर प्रेजेंटेशन वैसे ही रहेगा, डेट रिसीट इश्यूज एंड बैलेंस क्वांटिटी रेट
अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट रेडी लिख दो ओपनिंग बैलेंस डेट बोलो कितना बैलेंस है 162.5 ना कितना निकाला था हमने इसका रेट 6.5 नेक्स्ट रेट बोलो फोर्थ को क्या हुआ है कितना 8 यूनिट्स हो जाएंगे इसमें से ठीक है 6.5 के भाव पे 52 17 बचे 6.5 110 स्पीड रखो हाँ इधर अभी आज का आखिरी क्वेश्चन भी है बारिश भी हो रही है जितना जल्दी घर पहुंचोगे उतना अच्छा है सिक्स कितना रेट 5.75 अमाउंट बोल दो वेरी गुड अब क्या करें पुराने वाले में ऐड कर दें इसको फीफो फॉलो कर रहे हैं अलग अलग रखना है ना तो 17 पहले से है 50 अभी आया नेक्स्ट डेट बोलो सेवेंथ को क्या हुआ है कितना 12 तो पुराना पुराने में से हो जाएगा ना फिर 12 × 6.5 78 इसमें से 5 बच गए 6.5 वाले थर्टी टू पॉइंट फाइव और बाकी जो नए 50 है वो तो ऐसे डिस पड़े हुए उनको तो छुआ भी नहीं अपन ने अभी तक कोई बात नहीं 7 के बाद बोला अगला डेट 10 टेंथ को क्या किया हमने रिटर्न किया कितना रिटर्न किया 10 यूनिट कौन सा वाला बीएन कंपनी वाला बीएन कंपनी से कब खरीदा था 6 को खरीदा था मतलब वो 5.75 वाले गुड्स हैं परचेज रिटर्न उसी अमाउंट पे होगा जिस अमाउंट पे हमने जिस रेट पे हमने खरीदा तो 57.5 रुपीज़ के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हमने बोला इसकी जगह पे हमको दूसरे हाँ रिप्लेसमेंट भेजो चलो तो ये 5 और इसमें बच गए सिर्फ 40 इज दैट क्लियर चालीस इंटू 5.75 इज 237.5 ओके 0.5 या 230.5 0.5 कैसे आएगा हाँ नेक्स्ट डेट बोलो 10 के बाद 12 तारीख को क्या हुआ है कितना 15 क्या पुराने वाले में से हो जाएगा पूरा पुराना 5 ही है ना तो 5 वहाँ से और 10 नए में से कितना बचा 183 190 नहीं 172
ओके okay. बारह तारीख के बाद का डेट बोलो कोई। फोर्टीन, थर्टीन को क्या हो रहा है? थर्टीन को और इशू कर रहे हैं लोग, कितना? 20 at the rate 5.75, 115, 10 बज गए फिर भी, 57.5। अभी हमारे पास एक ही लॉट पड़ा हुआ है बस। 15 को फिर से कितना? 6.10। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होगी ना, हमने एक गुड्स रिटर्न किया 10 यूनिट, किसको? बीएन कंपनी को। वो गुड्स का रिप्लेसमेंट आया, उसके पहले हमने नया खरीद लिया, बराबर। अब ये नया गुड्स आ गया, अब जब रिप्लेसमेंट आएगा वो 15 तारीख के बाद आ रहा है, मतलब ये 15 तारीख वाले से भी नया हो गया फिर तो। वो नहीं समझा आपको, बराबर ना? 15 तारीख को हमने गुड्स खरीदा 25 यूनिट, और जो रिप्लेसमेंट आएगा वो और बाद में आएगा, तो उसको एकदम नया मानने का था, क्योंकि जो गुड्स भेजा उसने वो एकदम न्यू भेजा। 15 को 6.1 के रेट से खरीदा ना एवन कंपनी से। अमाउंट बोल दो इसका, 130 52.5। ओके, अभी हमारे पास 10 5.75 वाले और 25 6.1 वाले हो गए। अभी जरा फटाफट बोलो अगला डेट कौन सा है। 17 को क्या हुआ है? इशू कितना? 10 यूनिट्स, कौन से वाले में से? हाँ वो पूरा 5.75। बोलो क्या अभी कितना बचा फिर? 6.1 152.5। यस, नेक्स्ट बोलो। अभी 19 को क्या रिप्लेसमेंट आ गया? 10 यूनिट आएगा, कौन से भाव पे दिखाएं? हाँ पुराना वाला भाव 5 पॉइंट, उतना ही देंगे ना अपन ने। अब ये 57.5 हो गया। ये देखो आपको ऐसा लगे कि कहीं यही तो नहीं है, ये दोनों अलग है, समझ में आया आपको? ये जो 10 आया अभी वो एकदम नए आए हैं, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करूँगा मैं अभी? ये 25 पुराने हो गए अभी और ये 10 नए। नेक्स्ट 20 रिटर्न कर दिया हम लोगों ने, या आया? आया कितना? 5 यूनिट्स, कौन सा वाला? बी एन कंपनी कर देना अपने उसको, क्योंकि एम एन कंपनी वाला 6.1 वाला रेट है और वो तो हमने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। एम एन कंपनी से 6.1 में खरीदा, वो तो यूज़ ही नहीं किया, तो रिटर्न कहाँ से आएगा? तो कब से वो मिसप्रिंट चला आ रहा है इंस्टीट्यूट का? सॉल्यूशन में बी एन कंपनी है पर अभी तक उन्होंने वो क्वेश्चन में एज इट इज़ वो गलती रखी हुई है, कर लेंगे बाद में करेक्ट वो लोग, ध्यान देना होता है कभी कभी इनकी वजह से। चलो 5 वापस आ गए, 5 पॉइंट, यस। अभी मेन कैच है ये सबसे बड़ा, ये 5 को मैं किधर रिकॉर्ड करूं? इसको नया मानूं कि पुराना मानूं? हमने फैक्ट्री को दिया था यूज करने के लिए 17 तारीख को, देख रहे हो आपको? हाँ 17 को भी दिया हुआ है, और ये खरीदे कब थे हमने? ये तो पुराने हो गए ना, और ये बीच में 6.1 वाला है, ये कब खरीदा था हमने? 15 को खरीदा था, तो 6.1 वाला नया है बल्कि, तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। फिर बीच में 6. ये अपना 25 आएगा, और फिर नया 10,
ऑल दो है ना, ये आपको भाव सेम दिख रहे होंगे, पर ये जो लास्ट में 10 दिख रहा है ना वो रिप्लेसमेंट है, वो एकदम न्यू वाला है आपको। ये लॉस, ये जो रिटर्न और रिप्लेसमेंट है ना ये मस्त है इसमें। 28.75, 152.5 और 57.5, ये मेन कैश था इस क्वेश्चन का। जो 20 तारीख की एंट्री है ना वो मेन है। चलो 20 तारीख के बाद नेक्स्ट 22 क्या होगा, 22 को कुछ नहीं करना, 22 का एंट्री मत बोलो यार। फिर 26 कितना, 10 यूनिट्स, तो 10 पूरा ले सकते हम लोग, नहीं 5 5, तो पुराना वाला गया, बाकी 6.1 में से जाएगा। 30.5 बराबर, तो इसमें से 20 बच गए और ये 10 बच गया, 122। नेक्स्ट कौन सा, 30th, कितना है नॉर्मल, 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स कौन सा वाला ले, FIFO मेथड, 6.1 में से ले लो, 12 point, हाँ तो ये 18 बच गए और ये 10 के 10 ऐसे ही है। बन आया आपको, ये है आपका अभी क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक है 18 और 10, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वो 20 तारीख वाली एंट्री, इन्होंने ऐसा पूरा इवेंट एकदम मतलब प्लान करके किया हुआ था। रिप्लेसमेंट भी आ रहा है और पुराने जो फैक्ट्री में गुड्स भेजे थे उसमें से भी कुछ रिटर्न आ रहा है, जो फैक्ट्री में था वो तो पुराना वैसे ही पड़ा था, वो कोई नया होके तो नहीं आ रहा, वो पुराना वाला ही है, इसके लिए उसको हमने एकदम पहले रिकॉर्ड किया, और जो रिप्लेसमेंट आया वो एकदम नया आया हुआ, तो उसको हमने, तो जो फैक्ट्री से गुड्स रिटर्न आ रहा है वो भी 5.75 वाला ही है, और जो रिप्लेसमेंट में आया वो भी 5.75 वाला ही है ना। लेकिन हुआ क्या है, बीच में एक नया परचेज हो गया है जिसकी वजह से दोनों 5.75 में गैप हो गया आपको। यस, ये अच्छा था कॉन्सेप्ट है, बस अभी नोट लिख दो प्लीज, नोट नंबर 1, द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग is assumed to be abnormal, shortage in stock taking is assumed to be abnormal, number 2, transfer from one job to another, transfer from one job to another or from one department to another does not affect store ledger, hence ignored, understood? कुछ भी मैंने आपको बताया था कल भी, अगर आप कोई एडजस्टमेंट इग्नोर कर रहे हो तो आपको उसके लिए यस कंपलसरी है, ठीक है? यस, इसके बाद अभी सुनो, एक दो क्वेश्चन है जो आपको ऐसे ट्राई करने हैं, 21 उसमें से एक है,
इसमें ना गिने चुने तीन चार ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जो आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा ऐसा एक सॉल्यूशन आ जाएगा तीनों का, 21। तो दिस इज होमवर्क, मॉड्यूल क्वेश्चन ही है और इजी है। और उसके पहले एक क्वेश्चन और है, कौन सा? नाइन्थ वाला। हाँ, नाइन्थ वाला एक्चुअली सॉल्व कुछ नहीं करना है, थियोरी क्वेश्चन है। नाइन्थ में इनके पास है ना 4000 टोटल मटीरियल है, कितने? हाँ, 4000 टाइप के इतने गुड्स हैं। उसमें से 3875 वराइटीज़ ऐसी हैं जिनकी क्वांटिटी तो 96% हो गई, अगर 4000 में से को कंपेयर किया जाए तो, लेकिन उनकी वैल्यू सिर्फ 20% ही है, समझा आपको। और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर इनका यूज़ सिर्फ, हाँ, फिनिश प्रोडक्ट में इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, ना तो इनका गुड्स में ज़्यादा यूसेज है, ना ही इनकी कुछ खास वैल्यू है, खाली क्वांटिटी ज़्यादा है। इसको आप क्या मानोगे? सी कैटेगरी, समझा आपको, ये सी कैटेगरी वाले हो गए। फिर सिमिलरली लास्ट के 15 देखो, इसका उल्टा, 4000 में से 15, मतलब क्वांटिटी तो बहुत कम है लेकिन वैल्यू ऑलमोस्ट आधी इन्हीं की है, और फिनिश गुड्स के अंदर तो 85% यूसेज, इंपॉर्टेंस इनका ही होता है, तो इसका मतलब ये ए कैटेगरी वाले हो गए। और बीच में जो बचे वो, हाँ, ना क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस ना वैल्यू में, तो ये बी कैटेगरी, समझा आपको। हाँ, तो बस ये मॉड्यूल से, मॉड्यूल का ही है ये, उधर भी शायद क्वेश्चन नंबर 9-10 ही ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ से आप ये सेम चीज़ वहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। तो आपको क्या काम करना है, ये सिर्फ मॉड्यूल में से देख के आपको अपना आंसर लिख के लाना, ठीक है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ऐसे क्लासिफिकेशन। बाकी और सारे क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। आज जो क्वेश्चन हमने किए वो सब मिसलेनियस कैटेगरी के थे, फीफो लिफो, ए बी सी, और वो इन्वेंट्री कंट्रोल, सॉरी टर्नओवर रेशो, ये सब मिसलेनियस में आ जाता है। मेन तो आपको मालूम ही है क्या है, ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलो अभी फटाफट सेफली घर चले जाओ, बारिश तो हुई है काफ़ी, अभी भी शायद हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, आवाज़ तो आ रही है। यस।